दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। आज दिनांक 1 सितंबर 2022 समय 10 बजे समाहरणालय गेट के सामने पुरानी जेल के पास धरने का प्रोग्राम वार्ड संघ की तरफ से था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आशुतोष कुमार जो अधिवक्ता भी हैं, जिला अध्यक्ष वार्ड संघ रोहतास के और मुख्य अतिथि के तौर पर गणेश चौधरी जो वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी उपस्थित थे। नहीं रहेगा तो हमारे प्रतिनिधि कैसे हम लोग को यहाँ से पटना सासाराम। जो धरना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज का धरना का प्रमुखतम मुख्य उद्देश्य आपको भी दिखा होगा और हमारी स्पष्ट मांगे हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को जो मान सम्मान और अधिकार 2017 में दिया गया, उस मान सम्मान और अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में। अभी हिटलर शाही की तरह मुखिया, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे BDO साहब हो, चाहे अन्य वरीय पदाधिकारी हो, क्योंकि उनके क्षेत्र छाया में वार्ड सदस्यों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हमने कड़ा शब्द में कह दिया है कि हम जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करके आते हैं वो अग्नि परीक्षा देना जानता है। बिहार में 1,14,668 वार्ड मेंबरों ने मुझे इस दायित्व के लिए चुन के लाया है यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे अधिकार में कटौती होगा या हमारे वार्ड मेंबरों के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव या उन पर अत्याचार होगा तो मैं उनके घर का ईंट से ईंट बजा कर रखा, बर्दाश्त नहीं होगा। खैर भी, और एक बात कि अगर किसी पदाधिकारियों को यह अपने आप में अनुभव है कि मैं उस चीज़ से बच लूँगा तो मैं उस वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये चीज़ पूरे जिला प्रदेश में हर ये चीज़ पूरे बिहार प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत में एक अंग्रेज का कहावत रहता था, फूट डालो राज करो। वही काम अभी वर्तमान के जो भी मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, BDO साहब हैं, वही काम करते हैं, फूट डालो और राज करो। लेकिन उनकी तंत्र कामयाब नहीं रहेगा। रोहतास और सासाराम के एक एक वार्ड मेंबर जाग चुका है, सड़क पर आ चुका है और आने वाले समय में मेरी जीत सुनिश्चित। आज के धरना का उद्देश्य क्या था आशुतोष जी? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद। वार्ड सदस्यों के अधिकारों की आप बात कह रहे हैं। अभी जो एक दिवसीय आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन था, ये वार्ड सदस्यों के अधिकारों में सरकार द्वारा कटौती, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में अनुरक्षण अनुदान की राशि स्थानांतरित नहीं करना, वार्ड सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार होना, इन तमाम विषयों को लेकर के आज कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत बिना कार्यकारिणी के बैठक किए हुए योजना को पास करके भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ना, इन तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन के पश्चात हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले तो उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए बोले हैं कि आप लोगों का मांग हम जल्द से जल्द जो हमारे स्तर से होने वाला है उसको पूर्ण करेंगे, और साथ ही साथ सभी प्रखंड अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में सभी लोगों को हम इस बात को जिक्र करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। मूलभूत समस्या हम लोगों का ये था कि अनुरक्षण अनुदान की राशि नहीं जाना, गली नली योजना में हम लोगों को मिलना पैसे, इन तमाम विषयों को लेकर के ये सब विचार बिंदु था। और सबसे बात, SDO रैंक से कम पदाधिकारी FIR दर्ज न करे वार्ड सदस्यों पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात बिल्कुल है। और हमने अपने एडवोकेट बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, सर यदि वार्ड सदस्य गबन करता है तो क्रिमिनल कंसिक्वेंसी का मामला मुखिया, पंचायत सचिव, BDO, BPRO इन तमाम लोगों पर बनता है, तो इसलिए इसकी जाँच किया जाए और जाँच करके SDO रैंक से कम पदाधिकारी इसका FIR दर्ज न करें। तब इन्होंने कहा कि बिल्कुल मुस्कुराते हुए शब्दों में इन्होंने जवाब दिया कि हम इसको हर संभव प्रयास करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। मुखिया जी के उनके किसी बिल में होंगे जो सूचना देते होंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज याद रख लीजिए आप लोग, हमारे प्रतिनिधि जितने लोग हैं, हमारे भाई बहन
वार्ड हमारा भाई है, कितने लोग हमसे बोल रहे हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं इतना जानता हूँ कि मेरा वार्ड मेरा भाई है और मैं भाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम उसको शंकर शर्मा बड़ीगोला प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष, वार्ड संघ का सम्मानित अध्यक्ष हूँ। बड़ीगोला प्रखंड में महाको ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 9 का वार्ड सदस्य हूँ। हमारे यहाँ महाको ग्राम पंचायत में बहुत काफ़ी डिक्टेटरशिप है मुखिया का, एवं झंडा के दिन जो है सो झंडा बांट करके और एक पैसा प्रसाद के लिए नहीं दिया गया। हम लोग 10 वार्ड जो है उनके यहाँ नहीं गए, मुखिया के यहाँ एक भी आदमी नहीं गए। हम लोग अपने दरवाजे पर झंडोत्तोलन किए और मुखिया कह रहे हैं कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि राजपुर प्रखंड नौखा प्रखंड में जो है सो झंडोत्तोलन के लिए हर वार्ड को 1,000 रुपया दिया गया। और क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर शर्मा। और दूसरी बात जो है सो जल नल में, वहाँ के बागागो पंचायत के जल नल में जो है सो 15वीं बीत से पैसा जो है काट करके वेंडर को दे दिया गया डायरेक्ट मुखिया जी और पंचायत सेवक के द्वारा। ग्राम आपका क्या नाम हुआ? विजय चंद्रवंशी हुआ, गिरादा प्रखंड हुआ। आज जो धरना है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? धरना है, हम लोग धरना यही दे रहे हैं कि सभी वार्ड को अधिकार मिलना चाहिए और मुखिया अपने ढंग से मनमानी कर रहा है और सरकार का कूटनीति है ना वो सही नहीं। एक तरफ से सरकार कह रहा है कि वार्ड को अधिकार दिया जाए, एक तरफ से सरकार कह रहा है कि अधिकार नहीं दिया। पार्ट 2 का योजना था, माननीय मुख्यमंत्री दिए थे पार्ट 2 निश्चय 7 का, वो पार्ट 2 में बदल दिया। उसे नली गली का कार्यक्रम था तो प्रबंधक कमेटी के कार्य में आना चाहिए, जो प्रबंधक कमेटी बनाए पंचायत सचिव, वार्ड सचिव और प्रबंधक अध्यक्ष, उसके खाता में आना चाहिए, तभी वार्ड का विकास होगा, तभी अधिकार वार्ड को मिलेगा। आइए क्या नाम है भैया? अजीत कुमार। हमारे भी भाषण में जब गर्व है तो ठीक ना भैया, ठीक बात है। पूरा किया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय जी के निवेदन के साथ कहेंगे
कि हम लोग के मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे जो भी भाई बंधु वार्ड सदस्य मताएं बहाने आई हैं, उनके आवाजों को, उनके दर्दों को आप सुने, कोई निष्कर्ष निकाले, कोई परामर्श दे, ताकि हम लोग जो सुबह से चिल्ला चिल्ला कर अपने मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं श्रीमान जी से प्रार्थना के साथ यही कहूंगा कि मैं अपने सभी साथियों के तरफ से निवेदन के साथ कहता हूँ, चरण और पुष्प के साथ मैं कहता हूँ कि आप हमारे मांगों की आवाज को सुने, हमारे दर्दों को सुने। ये नासरीगंज प्रखंड के राजेंद्र पेंटर की तरफ से प्रार्थना है कि एक बार आप ध्यान अवश्य दें। ऐसा कोई भी बस्ती नहीं प्रखंड है जहाँ की हम नहीं चाहते हैं, केवल सरकारी कार्य करते करते कह रहा है, बात वही है। हमारे सभी वार्ड सदस्यों के तरफ से ये निवेदन है कि आप एक बार इस बात पर विचार जरूर करें। इसलिए मैं अपने आवाज को आपके कार्यालय के कार्यालय में बैठे हुए एक बार फिर मैं कहूँगा, आप हमारे दर्द को समझें और हम लोग के जो अधिकार बनता है आप उन्हें देने के कृपा करें, परामर्श दें, ताकि हम लोग अपना आंदोलन आगे न चला सकें। जय हिंद, जय भारत। हमारे मंच पर विराजमान श्री गणेश चौधरी जी जो प्रत्यक्ष अध्यक्ष हैं, एवं मंच पर विराजमान श्री आशुतोष जी एवं सभी अधिकर्ताओं, इन लोग को सादर अभिनंदन। एवं ये लोग जो जो इन्होंने अथक परिश्रम किया, मैं इन लोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। विशेष नहीं कहूँगा, सारी जानकारी जितने भी प्रवक्तागण हैं आप लोग को दे चुके हैं, इनकी बात सुनी हुई को सब लोग को मालूम हो गया। अब पुनः उस बात को मैं दोहराए, जिलाध्यक्ष, कमेटी संघ एवं वार्ड सदस्य अपनी अपनी पंचायत से इसमें सहयोग राशि नहीं रहेगा तो हमारे प्रतिनिधि कैसे हम लोग को यहाँ से पटना, सासाराम, हो सकता है दिल्ली भी पहुँचना हो। इसलिए निवेदन है, ये कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी भी संगठन को, किसी भी यूनियन को, हम यूनियन डील करते हैं अपने डेयरी में, और वार्ड संघ भी है और डेयरी प्रखंड के हम संयोजक हैं। मेरा नाम गणेश पांडे जी है, और विशेष बात को दोहराना नहीं, आप लोग से यही निवेदन है, संगठन को बिल्कुल मजबूती रखना है भैया, और सारी बात जानते हैं, और इसमें यथा सहयोग ज्यादा मिल जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, कृपया कृपया सभी लोग बैठने बैठने का काम करेंगे। नथुनी पासवान जी, गलियों में बैठी, हेलो बैठी, हेलो चलो आराम से आप लोग बैठ जाओ, मेरा इजाजत कम सारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रताप जिला के हर कोने कोने से आए हुए, हर पंचायत के कोने कोने से आए हुए हमारे वार्ड संघ सदस्य और हमारे मानचा सिंह आशुतोष चौबे जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी जो आपके समक्ष उपस्थित हैं, मैं सबको हार्दिक दिल से चंदन वंदन करते हुए, नमन करते हुए आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, आज भैया लोग कहते हैं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।